हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेणुकास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सांभर रेसिपी। सांभर के लिए यहाँ पे मैंने गाजर, गवार, बीनीस, पापड़ी, बैंगन, आप इस तरीके से कोई भी सब्जियाँ ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है हर हर की दाल, तूर की दाल। अभी सबसे पहले हम गैस पे कुकर चढ़ाएंगे। कुकर में हम आधा लीटर पानी डालेंगे। पहले दाल को अच्छे से धो लेना है और इसमें डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, जो सब्जियां हमने काट कर रखे हैं उसे भी वॉश कर लेंगे और इस बर्तन में डालकर कुकर के अंदर रख देंगे। किस तरीके से रखना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका दाल भी पक जाएगा, साथ में सब्जी भी पक जाएगा। अब इसे 4 सीटी के लिए हम रखेंगे। 4 सीटी के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। अब इसे हम बाजू के गैस में पकने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बाकी के तैयारी करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टोप चढ़ाएंगे। टोप में डालेंगे तेल। तेल को हमें गर्म होने देना है। यहाँ पे मैंने लिया है राई जीरा, कड़ी पत्ता, 2 मिर्ची, लहसुन और मेथी के दाने। इन सबको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने एक प्याज बारीक काट लिया था, उसे भी डाल देते हैं। इसे हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। एक बार इसे अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब इसे बारीक चॉप कर इसमें डाल देना है। अभी फटाफट मैं चॉप कर लेती हूँ। कुकर में 4 सीटी भी हो चुका है। देखिए कुकर के 4 सीटी बज चुके हैं। अभी हम टमाटर को जो है इसके अंदर डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पर टमाटर गलने तक हमें पकाना है। यहाँ पे हमने लिया है इमली। इमली को हम गर्म पानी में भिगो कर रखेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं टमाटर हमारा अच्छे से गला है कि नहीं। इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है कोबरा,
गीला कोबरा और कोतम्बीर, ये दोनों को हम मिक्सर में पीस लेंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं। अभी इसमें डालेंगे पानी, इमली का पानी यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिया है, वही पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसका पेस्ट बना लेंगे इमली का, उसे भी हमें मिला लेना है। एक्स्ट्रा इमली का छिलका जो है हम फेंक देंगे और इसे धीमी आंच पर एक 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है सांभर मसाला, 1 चम्मच सांभर मसाला हम डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच शक्कर, आपको दिखा दूंगी टमाटर कितने अच्छे से पिघल चुका है। अब इसमें डालेंगे सब्जी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक, थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं, उसके बाद डालते हैं। जब तक दाल को पीस लेती हूँ। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें डालेंगे पिसा हुआ दाल, अभी इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने देते हैं, उसके बाद हम इसमें दाल को डाल देंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, इन सब के वीडियो अगर आपको देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। अभी यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ सांभर बना रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे दाल, अगर आपको पानी की और ज़रूरत है तो आप डाल सकते हो। पहले चेक कर लेंगे कितने गाढ़ा बना हुआ है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसमें पानी डालना है कि नहीं डालना है। अब इसे ढक्कन लगाकर हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोथमीर और कोबरे का पेस्ट बना लिया है,
इसे भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से अभी पकने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपने टेस्ट किया होगा तो एक लाइक तो बनता ही है। सांभर बनकर हमारा रेडी है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे। आप इसे चावल, इडली, डोसा सभी के साथ भी खा सकते हो। अभी मैं आपको परोसकर दिखा देती हूँ। ये रेसिपी आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और खाकर मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। एक कोबरे की चटनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।